हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 6 की सिविक्स बुक से चैप्टर 8 रूरल लाइवलीहुड, इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 है, यू हैव प्रोबेबली नोटिस्ड दैट पीपल इन कल्पट्टू आर एंगेज्ड इन वैरायटी ऑफ नॉन फार्म वर्क। आपने देखा होगा कि जो कल्पट्टू जगह है वहाँ के जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके के कामों में संलग्न है जो कि फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है। लिस्ट 5 ऑफ दीज, आपको 5 वैसे काम बताने हैं। तो पीपल ऑफ कल्पट्टू आर एंगेज्ड इन मेकिंग, अब क्या क्या बनाते हैं वहाँ के लोग, बास्केट्स, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स, बुलक कार्ट्स एक्सेट्रा। डलिया बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, जो मटके होते हैं पॉट्स जिन्हें कहते हैं, ईंटे बनाते हैं, तांग जो बुलक कार्ट्स होते हैं वो बनाते हैं। ब्लैक स्मिथ्स, साइकिल रिपेयरिंग मशीन, मैकेनिक्स, ब्लैक स्मिथ भी है वहाँ पे, साइकिल रिपेयर करने वाले मैकेनिक्स भी हैं, नर्सेज मिल जाएंगी, टीचर्स मिल जाएंगे, वॉशरमैन हैं, बार्बर्स हैं। तो ये सब काम जो नॉन फार्मिंग है, ये वाले काम जो है कल्पट्टू गांव के लोग काम करते हैं। लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल यू रेड अबाउट इन कल्पट्टू हु डिपेंड ऑन फार्मिंग, हु इज द पुअरेस्ट अमंग देम एंड व्हाई। अब आपको बताना है अलग अलग तरीके के वो लोग जिनके बारे में आपने कल्पट्टू में पढ़ा जो कि फार्मिंग पर निर्भर हैं, और इनमें सबसे ज्यादा पुअर कौन है और क्यों। तो अलग अलग तरीके के जो लोग कल्पट्टू में हैं जो फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं वो कौन से हैं, तुलसी, सेकार और रामलिंगम। तुलसी इज द पुअरेस्ट अमंग ऑल, सबसे गरीब जो है तुलसी है। कारण क्या है, शी हैड नो लैंड ऑफ हर ओन एंड इज सपोज टू डू द वर्क ऑन रामलिंगम फार्म। उनकी अपनी खुद की कोई जमीन नहीं है और मजबूरी में उनको काम जो है रामलिंगम के फार्म पे करना पड़ता है। She earns rupees 40 per day, which is little less than what laborers gets in her home village. उनको 40 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, जो काफी कम है उसके मुकाबले में जो लेबर को मिलता है उसके गांव के अंदर। Although she is not satisfied with what she is getting in return, yet she comes here because she can depend on him to call her whenever there is work. उनको इस बात से संतुष्टि नहीं है क्योंकि यहाँ पैसे कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इसलिए आती हैं क्योंकि उनको पता है कि जब भी कभी काम आएगा तो उसको यहाँ पर बुलाया जाएगा और इस वजह से उसको यहाँ पर काम मिलेगा। इमेजिन यू आर ए मेंबर ऑफ अ फिशिंग फैमिली एंड यू आर डिस्कसिंग वेदर टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक फॉर एन इंजन, व्हाट वुड यू से। अब आप सोचो कि आप इमेजिन करो एक आप फिशिंग फैमिली के मेंबर हो और आप जो हो ये डिस्कस कर रहे हो कि आपको लोन लेना है बैंक से एक इंजन के लिए, तो क्या कहते हो आप। तो बीइंग अ मेंबर ऑफ द फिशिंग फैमिली, इफ आई हैव टू टेक अ लोन देन आई विल प्रेफर बैंक देन मनी लेंडर। अगर मेरे को, क्योंकि मैं एक मछुआरे का जो परिवार है उसका एक सदस्य हूँ और मुझे अगर लोन लेना है तो मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा कि मैं बैंक से लोन लूं बजाय मनी लेंडर के। As money lender usually charge high rate of interest, which makes the life more miserable and put into hardships. क्योंकि अगर आप money lender से जो है उधार लोगे तो क्या होगा, वो आपको ज्यादा इंटरेस्ट जो है लगाएगा, हाई रेट पर इंटरेस्ट लगाएगा अपना। साथ ही साथ उससे क्या होगा, पैसा तो आपने ले लिया, अब आपको उसका इंटरेस्ट चुकाना है, उससे आपकी जिंदगी और ज्यादा परेशानी वाली हो जाएगी, आप मुश्किलों में पड़ जाओगे। तो ज्यादा अच्छा है कि लोन बैंक से लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुअर रूरल लेबरर्स लाइक तुलसी ऑफन डू नॉट हैव एक्सेस टू गुड मेडिकल फैसिलिटीज, गुड स्कूल्स एंड अदर रिसोर्सेज। जो गरीब गांव की लेबर है जैसे तुलसी जैसी, उनको ना तो क्या कहते हैं उनकी पहुंच है कि उनको अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिले, अच्छे स्कूल या और जो संसाधन है। यू हैव रेड अबाउट इनइक्वालिटी इन द फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस टेक्स्ट, पहले यूनिट में इस टेक्स्ट के हमने इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था। The difference between her and Ramlingan is one of inequality. अगर उसके बीच में और रामलिंगन के बीच में कंपेयर किया जाए तो दोनों में काफी असमानता है। Do you think this is a fair situation? आपको क्या लगता है ये सिचुएशन जो है सही है? What do you think can be done? Discuss in class. क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, क्लास में डिस्कस करें। तो आंसर है नो, दिस इज नॉट अ फेयर सिचुएशन, ये एक अच्छी या फेयर सिचुएशन नहीं है। देयर शुड बी सीलिंग ऑफ लैंड, लैंड की सीलिंग करनी चाहिए। इट विल हेल्प एवरीवन टू हैव सम लैंड व्हेन वन कैन अर्न वन्स लाइवलीहुड। एक सीलिंग होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी थोड़ी जमीन हर एक के पास हो ताकि वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से उस पर अर्न कर सके।
अपॉर्चुनिटी शुड बी इक्वल फॉर ऑल, सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन शुड बी मेड कंपल्सरी, जो एक बेसिक पढ़ाई है वो सबको करनी जरूरी है। एफर्ट शुड बी मेड टू प्रमोट एजुकेशन अमंग द पुअर, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो गरीब हैं वो भी पढ़ लिख सकें। इट विल हेल्प देम नो देयर राइट्स एंड अदर अवेयरनेसेस, अगर वो लोग पढ़ लिख जाएंगे तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि उनके क्या अधिकार हैं और वो ज्यादा जागरूक हो पाएंगे। What do you think the government can do to help farmers like Sekar when they get into debt? Discuss. आपको बताना है कि गवर्नमेंट कैसे मदद कर सकती है उन किसानों की जैसे सेकर के, कि जब वो कर्जे में होते हैं। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड असिस्टेंस टू फार्मर्स लाइक सेकर। अब गवर्नमेंट जो है एक तरह से असिस्ट कर सकती है इन किसानों को जो सेकर जैसे होते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट द लोएस्ट रेट कैन हेल्प हिम। ऐसा लोन लें जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता हो, चुकाना ना पड़े, साथ ही साथ ये बहुत कम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कम लोएस्ट रेट है, वो लिया जाए लोन जिससे उनको मदद मिल सके। सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड टू हिम ऑन सब्सिडाइज्ड रेट। जो बीज हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब भी उनको प्रोवाइड कराए जा सकते हैं सब्सिडाइज्ड रेट पे। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है उनकी मदद कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द सिचुएशन ऑफ सेकर एंड रामलिंगम बाय फिलिंग आउट द फॉलोइंग टेबल। अब आपको रामलिंगम और सेकर की यहाँ सिचुएशन को फिल करना है टेबल में। सबसे पहले सेकर की देखते हैं, लैंड कल्टीवेटेड उसके पास कितनी है, 2 एकड़। लेबर रिक्वायर्ड, 2 एकड़ की जमीन है, किसी लेबर की जरूरत नहीं है, नो लेबर रिक्वायर्ड। लोन्स रिक्वायर्ड, अब लोन की जरूरत है, हाँ। सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इन सब के लिए लोन की जरूरत है और उसने जो लोन लिया है वो ट्रेडर से लिया है। सेलिंग ऑफ हार्वेस्ट, सेल्स फ्यू बैग्स ऑफ पैडी टू पे बैक द लो अमाउंट। अब वो कुछ बैग्स जो है पैडी के बेचते हैं ताकि लोन का पैसा चुका सके। अदर वर्क डन बाय देम, अब और क्या काम करते हैं, एज हाइब्रिड काउ हूज मिल्क ही सेल्स इन द लोकल मिल्क कोऑपरेटिव। उनके पास एक हाइब्रिड काउ है जिसका दूध जो है वो लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में बेचते हैं। अब रामलिंगम की बात करें तो लैंड कल्टीवेटेड, यहाँ पे उनके पास 20 एकड़ है। लेबर रिक्वायर्ड, हायर्स लेबर फॉर वर्क, काम के लिए वो लेबर को जो है हायर करते हैं। लोन्स रिक्वायर्ड, टेक्स लोन फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक फॉर एस्टैब्लिशिंग अ राइस मिल। गवर्नमेंट बैंक से उन्होंने लोन लिया है ताकि एक राइस मिल एस्टैब्लिश कर सके। सेलिंग ऑफ हार्वेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि वो हार्वेस्ट सेल करते हैं। अदर वर्क्स डन बाय देम, हैव अ राइस मिल एंड अ शॉपिंग सेलिंग इन सी शॉप सेलिंग सीड्स पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा। इनके पास क्या है, अपनी राइस मिल है, जो दुकान है उस पर वो बीज है, पेस्टिसाइड्स है, ये सब बेचते हैं। तो ये थे आपके चैप्टर की एक्सरसाइज, आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।